हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 कविता 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। आज हम उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उसके प्रश्न। 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? उत्तर, दुनिया में बदलाव आता रहता है, फिर भी कुछ पुरानी चीज़ें कभी नहीं बदलती। साइकिल बहुत पुरानी सवारी है, इसके बावजूद इसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसकी उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। उसमें न पेट्रोल का खर्चा है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी उसमें नहीं है, इसलिए सब प्रकार से सुविधाजनक होने के कारण सड़क पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। प्रश्न 2, लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? उत्तर, हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वह क्षणिक आवेश है। सामान्य रूप से मनुष्य अहिंसक रहता है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा की प्रधानता होती है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेल जोल, ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं। इन्हीं से जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है, इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन पसंद है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सच और झूठ के बारे में कवि क्या कहते हैं? उत्तर, कवि कहते हैं कि सच की महिमा काल से आज तक है। इस तरह झूठ का प्रयोग भी बहुत पहले से होता है। दुनिया के बहुत बदल जाने के बावजूद इनकी उपयोगिता अभी भी बनी हुई है। प्रश्न 2, पुरानी समझदारियाँ कैसे बची रहती है? दुनिया में नए बदलाव आने के साथ ही लोग तरह तरह की नई मूर्खताएं भी कर रहे हैं। तरह तरह के लड़ाई झगड़े, युद्ध विग्रह, इन मूर्खताओं के परिणाम है। फिर भी आपसी प्रेम, मानवीय संस्कार और नीति न्याय के नाम पर विवेक बुद्धि के रूप में पुरानी समझदारी बची रहती है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पुरानी चीज़ों के पक्ष में कवि ने किन चीज़ों को मद्देनज़र अपनी बात कही है? पुरानी चीज़ों के पक्ष में कवि उन चीज़ों को मद्देनज़र अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती रहती है। 2, किनकी स्मृतियां आज भी बनी हुई है? उत्तर, नदियों के किनारे बसी हुई प्राचीन सभ्यता की स्मृतियां आज भी बनी हुई है। प्रश्न 3, बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है? उत्तर, बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। प्रश्न 4, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीज़ें हैं? उत्तर, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियाँ जैसी आधुनिकता की परिचायक है। प्रश्न 5, कवि राजेश जोशी कौन सी चीज स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं? कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। विनम्रता कोई कायरता नहीं है,
उत्तर, विनम्रता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक है। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता के समक्ष कुरता को भी झुकना पड़ता है। शर्त यह है कि विनम्र व्यक्ति सबल हो। निर्बल व्यक्ति की विनम्रता से विनम्रता को कोई मापा नहीं जा सकता। सबल व्यक्ति की विनम्रता को कभी कायरता नहीं कहा जा सकता। महात्मा गांधी जी की विनम्रता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा, बनिस्मत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। उत्तर, हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से कोई भी समस्या सुलझने की अपेक्षा और जटिल हो जाती है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। सही विकल्प चुनकर फिर से लिखिए। एक, इनमें से किसकी कहानियाँ पुरानी है? क, चाची। ख, मास्टर जी। ग, नानी। ग, इनमें से एक भी नहीं। उत्तर, इनमें से नानी की कहानियाँ पुरानी है। दो, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दो रहा है? क, साइकिल। ख, मोटर कार। ग, बैलगाड़ी। ग, इनमें से एक भी नहीं। उत्तर, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर साइकिल दौड़ रही है। तीन, दुब किसका प्रतीक है? क, हत्यारों। ख, संगठितता। ग, विनम्रता। ग, सरलता। उत्तर, दुब विनम्रता का प्रतीक है। चार, सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है? क, सच। ख, झूठ। ग, सच और झूठ दोनों। ग, इनमें से एक भी नहीं। उत्तर, सारे विवाद का केंद्र स्थान सच और झूठ दोनों हैं। पाँच, पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीज़ों की ओर है? क, आध्यात्मिकता। क, सामाजिकता। ग, पुरानापन। ग, नयापन। पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता के कवि का रुझान पुरानापन की है। व्याकरण, शब्द में से प्रत्यय अलग कीजिए। सभ्यता, शब्द है सभ्य, प्रत्ययता। संगठित, शब्द है संगठन, प्रत्यय है इत। कायरता, शब्द है कायर, प्रत्ययता। शब्द में से उपसर्ग अलग कीजिए। विनम्रता, उपसर्ग वि, शब्द नम्रता। संगठित, उपसर्ग सम, शब्द घंटित। समानार्थी शब्द लिखिए। मुबाहिसा, वितर्क। टिस, कशक। कायरता, बिरुता। मूर्खता, बेवकूफ़ी। विरोधार्थी शब्द लिखिए। पुरानी, नई। स्मृति, विस्मृति। सच, झूठ। सरल, कठिन। कायर, वीर। और मिठास, कड़वाहट।